दशक से बॉलीवुड पर राज कर रहे अमिताभ बच्चन की लाइफ के बहुत से ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो आपको इंस्पायर भी करती हैं और जिंदगी के कई पहलुओं से मिलवाती भी हैं। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकने वाले बिग बी किसी वक्त रेडियो अनाउंसर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी रेडियो से नहीं बल्कि सिनेमा के पर्दे से जुड़ी है। पर जो भी हो, बिग बी को रेडियो से आज भी एक गहरा और अलग लगाव है। रेडियो डे पर चलिए आपको बताते हैं बिग बी का रेडियो से जुड़ा एक खास किस्सा। बॉलीवुड में किस्मत आजमाने से पहले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे और इसके लिए वो ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई स्टूडियो में ऑडिशन देने भी गए थे। कहते हैं बिग बी और उनके रेडियो अनाउंसर बनने के सपने के बीच अमीन सयानी थे, जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उस समय अमीन सयानी भी नहीं जानते थे कि उन्होंने जिन्हें रिजेक्ट किया है वो कल हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा नाम बनेंगे। अपने नए कार्यक्रम सितारों की जवानियां के साथ रेडियो पर वापसी कर रहे प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी ने बताया कि उनके पास तब अमिताभ से मिलने का समय नहीं था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने वॉइस ऑडिशन के लिए पहले से समय नहीं लिया था। सयानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये 1960 के दशक के आखिर में कभी हुआ था जब मैं एक हफ्ते में 20 कार्यक्रम किया करता था। हर दिन मेरा अधिकतर समय साउंड स्टूडियो में गुजरता था क्योंकि मैं रेडियो प्रोग्रामिंग की हर प्रक्रिया में शामिल था। एक दिन अमिताभ बच्चन नाम का एक युवक बिना समय लिए वॉइस ऑडिशन देने आया। सयानी ने कहा, मेरे पास उस पतले दुबले व्यक्ति के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसने इंतजार किया और लौट गया। इसके बाद भी वह कई बार आया लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया और रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से ये कहता रहा कि वो पहले समय ले फिर आए। 21 साल के सयानी को बाद में पता चला कि वो अमिताभ बच्चन थे जो ऑडिशन के लिए उनके कार्यकाल में आया करते थे। जब सयानी ने आनंद फिल्म जो कि 1971 में रिलीज हुई थी उसका ट्रायल शो देखा तो वहाँ अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और आवाज से वो बहुत प्रभावित हुए और तब उन्हें पता चला था कि वो अमिताभ हैं जो ऑडिशन के लिए आए थे। इस फिल्म में अमिताभ के साथ राजेश खन्ना भी लीड रोल में थे। अमीन सयानी ने कहा, अमिताभ एक अवार्ड शो में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए 3 बार ऑडिशन के लिए रेडियो स्टेशन जाने की बात कही और कहा कि उन्हें ऑडिशन में बैठने भी नहीं दिया गया। मैं सुनकर चौंक गया। बाद में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो हमने इस पर लंबी चर्चा की और हंसे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पद्मश्री सम्मानित रेडियो अनाउंसर सयानी का मानना था कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उन्होंने कहा, हालांकि आज मुझे इससे लेकर खेद भी होता है लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ वह हम दोनों के लिए अच्छा हुआ। मैं सड़क पर होता और उन्हें रेडियो पर इतना काम मिलता कि भारतीय सिनेमा अपने सबसे बड़े सितारे से वंचित रह जाती। कहीं ना कहीं अमीन सयानी सही भी थे, लेकिन अमिताभ की आवाज में क्या जादू है उसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। आज भी बिग बी कई टीवी चैनल्स, एड और रेडियो जिंगल्स के जरिए वियो कर अपना शौक पूरा करते हैं। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।